जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटेग्रा इसेंशियल लिमिटेड कंपनी के बारे में। यदि आप इसके इन्वेस्टर्स हैं तो आपको पता है कि कंपनी ने हाल ही में बोनस शेयर्स का अनाउंसमेंट किया था, लेकिन शायद अभी तक आपको बोनस नहीं मिला है। तो इसके बारे में बात होगी कि बोनस कब मिलेगा। दूसरी बात, जिसके पास इस कंपनी के शेयर्स नहीं है उनको मैं बताऊंगा कहाँ पर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, इसमें एंट्री लेना चाहिए भी कि नहीं। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कंपनी के हाल ही में Q3 के नंबर आए हैं, तो Q3 के नंबर कैसे आए हैं और इसका इस कंपनी के शेयर प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं BSE इंडिया की वेबसाइट पर और वहाँ पे कुछ चीज़ों को समझते हैं, फिर इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं BSE इंडिया की वेबसाइट पर। BSE इंडिया की वेबसाइट पर देखेंगे इंटेग्रा इसेंशियल लिमिटेड को यहाँ पर ओपन किया गया है। यहाँ पर देखिए ये स्टॉक अभी रेड फ्लैग में है, ESM स्टेज 2 में है, यानी कि आपको बाय सेल करने में प्रॉब्लम आ सकती है अभी के लिए। दूसरी बात, आज इसमें देखेंगे तो स्टॉक में लोअर सर्किट लग गया है। लोअर सर्किट क्यों लगा है, क्योंकि कंपनी के जिसमें बताया Q3 के नंबर आए हैं, नंबर अनुमान के मुताबिक नहीं है, थोड़े से निगेटिव नंबर आए हैं, जिस वजह से इसमें लोअर सर्किट भी लगते हुए दिखा है। हालांकि लोअर सर्किट कल भी लगा था और कुछ बीच बीच में लगते रहता है, पेनी स्टॉक में तो लोअर सर्किट लगते रहते हैं, ये बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी चीज़ ये है कि कंपनी के जो बोनस शेयर्स नहीं मिले हैं वो कब मिलेंगे, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो आप देखते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस में, तो आपको पता चलेगा कि हाल ही में कंपनी ने बोनस शेयर्स का अनाउंसमेंट किया था 1:1 के रेशियो में, जिसके लिए रिकॉर्ड डेट रखा गया था 11 जनवरी का। अब आप जानते हैं कि रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट एक ही हो गया है, क्योंकि T+1 डेज में अब सेटलमेंट हो जाता है। तो बहुत से लोगों को अभी तक बोनस नहीं मिलता है, नहीं मिला है। सामान्यतः 15 दिनों के अंदर जो रिकॉर्ड डेट होता है उससे 15 दिनों के अंदर ही अब बोनस शेयर्स क्रेडिट हो जाते हैं लोगों के डीमेट अकाउंट में, लेकिन अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये कम से कम 31 जनवरी तक वेट कीजिए, क्योंकि 31 जनवरी का ये मंथ है। कई बार क्या होता है, कंपनियां मंथ के लास्ट तक आपको बोनस शेयर्स देती हैं, डिले हो जाता है। तो आप 31 जनवरी तक वेट कीजिए। 31 जनवरी तक यदि आपको बोनस शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में नहीं मिलता है, तो फिर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि आप बोनस शेयर्स, यदि आप एलिजिबल हैं और आपको नहीं मिला है तो कैसे आप बोनस शेयर्स को पा सकते हैं। दूसरी बात, आप एलिजिबल कैसे होंगे, यदि आपके पास 11 जनवरी से पहले तक इस कंपनी के शेयर्स थे तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। यदि आप 10 जनवरी या 11 जनवरी को इस कंपनी के शेयर्स बाई किए होंगे तब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे बोनस शेयर्स के लिए। जिसके पास 10 तारीख तक इस कंपनी के शेयर्स आ गए होंगे डीमैट अकाउंट में, सिर्फ वही व्यक्ति बोनस शेयर्स के लिए एलिजिबल होगा। तो यहाँ पर लोग आ गए हैं, फिर से एक बार कंपनी की डिटेल्स को समझते हैं। इस वीडियो में जानेंगे लंबी अवधि में निवेश के लिए स्टॉक कैसा है, और दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे एक दिन में तकरीबन 2% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिले, तो गिरावट के पीछे की वजह को भी समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए ये जो कंपनी है ना, नाम में ही इसेंशियल लगा, इसेंशियल मतलब इसेंशियल्स प्रोडक्ट से कंपनी बनाती है, जो लाइफ के लिए जरूरी चीज़ें होती है उस पर कंपनी काम करती है। क्या क्या जरूरी चीज़ बनाती है, यहाँ पर देखिए लाइफ इसेंशियल्स लिखा हुआ है। फूड हमारे जीवन में कितना जरूरी है, क्लॉथ इसमें भी, ये बेसिकली टेक्सटाइल्स एंड गवर्नमेंट टेक्सटाइल्स के प्रोडक्ट्स में कपड़ा बनाना ही जाता है टेक्सटाइल्स वाले में। इसके अलावा देखेंगे तो ये कंपनी आपको बहुत सारे रॉ मटेरियल्स के सेक्टर में भी कामकाज करती हुई दिखती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा भी प्रोवाइड कराती है, यानी कि एक विस्तृत इस कंपनी का कारोबार है। और जो इस तरह से कंपनी का काम है उसके बेसिस पे कर सकते हैं कंपनी की शेयर प्राइस में लंबी अवधि में इसमें डिमांड रहेगी, कंपनी का शेयर प्राइस लंबी अवधि में उछाल मारेगा। अब फंडामेंटल समझे, तकरीबन 700 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन, यानी कि पेनी स्टॉक होने के बावजूद कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो ठीक ठाक है। स्टॉक का P/E 58 है और PE के हिसाब से शेयर प्राइस पर मत जाइए, क्योंकि हम चार्ट पर लेवल देख के उठाते हैं तो हमारे लिए PE कुछ खास मायने नहीं रखता। बुक वैल्यू से कंपनी का शेयर प्राइस ज्यादा, ये बढ़िया बात है। और सबसे कमाल की बात है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है और जो ROC ये डबल डिजिट में है। अब जो सबसे मेन चीज़ है कंपनी का, यदि हम लोग एक साल के चार्ट पर इसका टेक्निकल एनालिसिस करें तो आप जानेंगे, आप समझेंगे कि बहुत दिनों से कंपनी का जो शेयर प्राइस है एक कंसोलिडेशन रेंज में चल रहा था। कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट हुआ, लंबा इसमें तेजी देखने को मिला, जो कि जाहिर सी बात है जब जब किसी भी स्टॉक, कोई भी स्टॉक कंसोलिडेशन से बाहर निकलता है तो उसमें ब्रेकआउट देखने को मिलता ही है। लेकिन यहाँ पे जाके फिर से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुआ और प्राइस नीचे आने लगा, ये कोई पहली बार नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे प्राइस यहाँ पर भी नीचे आया था, प्राइस यहाँ पर भी नीचे आया था, तो जाहिर सी बात है किसी भी स्टॉक का प्राइस काफ़ी बढ़ जाएगा, थोड़ी बहुत उसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी। प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से भी कह सकते हैं, एक तो लोअर सर्किट लग गया है, इसमें लोअर सर्किट लगा है, और दूसरी बात जो जैसे Q3 का नंबर आया उसका असर भी है। तो ये असर कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, आप बस वेट कीजिए, प्राइस हो सकता है 7 रुपये के लेवल तक आए और फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट करके प्राइस ऊपर उठने लगे। तो जो नए व्यक्ति हैं 7-8 रुपये के ऊपर जब निकले तो यहाँ पे एंट्री लीजिएगा, थोड़ा सा भले महंगा मिलेगा लेकिन आप कॉन्फर्मेशन के साथ उठाएंगे तो पूरी क्लैरिटी रहेगी, नुकसान होने के चांसेस कम रहेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक लगभग अपने ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, क्योंकि 4 रुपये के लेवल के आसपास ये कंपनी का मेजर रेजिस्टेंस था, इसको कभी का ब्रेक कर दिया है। अब आप इजिली एक बार इसको जैसे ऊपर निकला यहाँ से, तो इस स्टॉक का प्राइस काफ़ी ऊपर आप कम से कम 10-15 रुपये तक इजिली जाते हुए दिखेगा। वहीं पर यदि हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट को डिस्कस करें तो क्वार्टर के रिजल्ट में देखेंगे कंपनी का जो इस बार का क्वार्टर का नंबर आया है
उसमें सेल्स में थोड़ा सा डिक्लाइन होते हुए दिखा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, और साथ में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है और जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले डिक्लाइन होते हुए दिखा है। तो रिजल्ट तो निराशाजनक रहा ही है, लेकिन क्योंकि क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट हर एक तीन तीन माह पर आते रहते हैं, तो इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं, अगली बार जो क्वार्टर का नंबर आएगा वो इससे बेहतर हो जाएगा। लेकिन लंबी अवधि में निवेश के लिए स्टॉक बेहतर साबित हो सकता है, लेवल देखकर सही समय पर इसमें लीजिएगा अपने रिसर्च एनालिसिस करने के बाद। बाकी इस स्टॉक से जुड़े हुए यदि मन में कोई सवाल है कोई कन्फ्यूजन कमेंट में जरूर पूछेगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो धन्यवाद, शुक्रिया।